कमेटी की बैठक की जो कि रावड़ी आवास में की गई। आज की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में सीट शेयरिंग सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता राबड़ी देवी ने की। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार करने के साथ ही गठबंधन पर भी चर्चा की गई। बैठक में राबड़ी देवी ने कहा, 2019 लोकसभा चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। देश में पूरा महागठबंधन तैयार है, सभी विपक्षी दल एकजुट हैं। संवाद के माध्यम तय होंगे, पूरी तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा और दिशा भी दी जाएगी। मैं समझता हूँ संदर्भ में इस मीटिंग को देखे जाने की ज़रूरत है। साथ ही हम सब जान रहे हैं कि देश किस प्रकार के आपातकाल से गुजर रहा है। अंधी गुफा से पूरा का पूरा देश, ढाई लोग चला रहे हैं इस मुल्क को, वो आधा कभी कभी बदल जाता है। उन ढाई लोगों ने नाक में दम कर रखा है इस मुल्क। मैं समझता हूँ युवा हों, दलित हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, महिलाएँ हों, यहाँ तक कि पत्रकार हों, सच्ची जुबान बोल दिए तो आप कुछ भी हो जाइए। तो वैसे माहौल में एक जिंदा राजनीतिक दल को बहुत पुख्ता तैयारी के साथ उतरना होगा ताकि मुल्क को एक आशा की किरण दे सके। आपके दल की क्या तैयारी चल रही है? नहीं देखिए, सीटों की बातचीत तब होती है ना जब एक व्यापक कैनवास तैयार हो जाए। वो कैनवास बनने की प्रक्रिया में है और हमारा मानना है कि अगर बिहार में किसी राजनीतिक दल की सबसे ज़्यादा तैयारी है तो वो हमारी तैयारी है, क्योंकि हम एक उस तरह की मास पार्टी हैं जिसमें प्रति क्षण हमारे लोग, कार्यकर्ता, नेता चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हम संसाधनों वाली पार्टी नहीं, हमारे पास 25 हेलीकॉप्टर वाली पार्टी नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि सवर्णों का भारत बंद बीजेपी आरएसएस का एजेंडा था। एससी एसटी एक्ट की को 9वीं अनुसूची से दूर रखा गया। केंद्र सरकार आरक्षण को चतुराई से समाप्त करना चाहती है, पिछड़ा दलितों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। बता दें आरजेडी आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों के आरक्षण को लेकर फिर से द्विधा में है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का पक्ष लिया था। एससी एसटी एक्ट को लेकर के जो भारत सरकार का रवैया उस एक्ट के प्रति, बीजेपी और आरएसएस का रुख साफ है, ये दिखाता है कि बीजेपी और भारत सरकार ने एससी एसटी भाइयों के साथ विश्वासघात करने का काम किया। जो कुछ दिन पहले जो भारत बंद जो हुआ था उसके पीछे पूरी तरीके से बीजेपी और आरएसएस द्वारा स्पॉन्सर और बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत ये पूरा भारत बंद जो था वो बीजेपी और आरएसएस का था। ये आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग, जो नागपुरिया जो कानून है, जो आरएसएस का जो एजेंडा है, जो ये लोग संविधान विरोधी आरक्षण विरोधी लोग जो हैं, ये लोग चाहते हैं कि नागपुरिया कानून को लागू कर दिया जाए और संविधान के साथ जिस प्रकार से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है और आरक्षण को परे चतुराई के साथ ये लोग खत्म करना चाह रहे हैं, इसको लेकर के देश की जनता और हम सब लोग बड़े बारीकी से इसके चालाकी को जान रहे हैं और पहचान रहे हैं और इनके चालाकी और इनके जाल में अब हम लोग फंसने वाले नहीं हैं, बल्कि इनको हम लोग जो है करारा जवाब जो पिछड़े हैं, दलित हैं, मिलकर के आने वाले चुनाव में देने का काम करेंगे। रही थी उसको चलाने का काम किया जाए और बड़े चालाकी से संविधान को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। और हम लोगों की शुरू से ही हमारी पार्टी की मांग भी रही है, जहां किसको क्या मिले नहीं मिले, हम लोगों का तो पहले से भी स्टैंड था कि जिसकी जितनी आबादी के अनुसार उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन हमारे नेता लालू जी ने जो आंदोलन जो छेड़ने का काम किया था, जो जातीय जनगणना जो हुई, आखिर क्यों भारत सरकार बीजेपी के लोग इसको छुपाने का काम कर रहे हैं? हमारा सवाल है कि कौन सा जाति कहां खड़ा है? आपको जब ये पता ही नहीं होगा तो सारी चीजों का समाधान कैसे निकलेगा?
आप ये बताइए कि कौन से जाति के लोग भूमिहीन एससी एसटी एक्ट। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों रिम्स में इलाजरत हैं। उनकी सेहत की जांच मेडिसिन विभाग के डॉक्टर उमेश प्रसाद की देखरेख में चल रही है। डॉक्टर उमेश ने आज लालू का स्वास्थ्य संबंधित मेडिकल बुलेटिन जारी किया। उन्होंने कहा रूटीन टेस्ट जो पहले कराया गया था वो फिर से रिपीट कर दिया गया है, जिसके लिए कल से ब्लड टेस्ट शुरू होगा। उन्होंने बताया कि सुबह का शुगर 135 था, जबकि उनका ब्लड प्रेशर 130/80 है। फिलहाल उनका ब्लड प्रेशर सामान्य है। शुगर मॉर्निंग में ठीक था, 135 था, बीपी 130/80 था, और सब चीज सामान्य है। सब रूटीन टेस्ट जो है कि पहले जो कराया गया था उसको सबको रिपीट कर दिया गया, भेज दिया गया, जिसका ब्लड टेस्ट कल से शुरू होगा।